भाई कौन हो तुम? क्यों मुंह उठा के अंदर आ रहे हो? अंदर जा रहा हूँ भाई जी। अरे अंदर ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? किसकी इजाजत है? तमीज से बात करो, तुम कौन होते पूछने वाले? अरे क्या तमीज से बात करूं, तमीज के लायक है तू? अब पट्टियां करवाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाएगा। माफ कीजिएगा भाभी, ये कोई शरीफ लोगों के तौर तरीके नहीं होते कि मोहल्ले के मुस्टंडों को बुला के उनसे घर के काम करवाए जाएं। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद इस घर का रुख किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ही? क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? अम्मी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं अम्मी की सगी औलाद ही नहीं। किससे लेकर पाला उन्होंने मुझे, उनके दिल में तो मेरे लिए कोई हमदर्दी है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है आप ही, आप ज्यादा सोच रही हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अम्मी सबसे ज्यादा प्यार आप ही से करती। तुम तो चुप ही रहो आपकी चमची। अच्छा ना मुझे बताएं हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया मेरा। जब अपने दर्द को ना समझे तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। अल्लाह ना करे मेरी प्यारी सी बहन को कभी कोई दर्द मिले। अच्छा छोड़ेंगे बातें, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ और आपके फेवरेट कबाब फ्राई करती हूँ, फिर हम सब साथ बैठ के अम्मी के कमरे में चाय पियेंगे। कुछ नहीं खाना पीना मुझे, जाके अपनी माँ को खिलाओ और उनको मेरा एक पैगाम दे देना, वो जो कर रही है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। अच्छा ना आप ही अपना मूड तो ठीक कर लें। जाओ यहाँ से, और ज्यादा मूड खराब ना करो मेरा।